सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग 12th के केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में आता है और नाम देख रहे हो चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। एक तो नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का है। कई चैप्टर्स के नाम के साथ में केमिस्ट्री जुड़ा हुआ मिलेगा, सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका मतलब, इसका डिफिनेशन अगर लिखे हम लोग, इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर आएंगे तो यहाँ कहा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल इनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। यानी इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि किसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा या इतने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए किस तरीके का केमिकल रिएक्शन कराना हो। यानी केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल इनर्जी, इन दोनों के बीच के रिलेशन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है और ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। यानी यहाँ हम लोग बात करेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्या केमिकल चेंजेज होता है या इस केमिकल चेंजेज में किस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। लिखे इंट्रोडक्शन में इसका डिफिनेशन कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल इनर्जी और केमिकल रिएक्शन की बजाय केमिकल इनर्जी भी लिख सकते हैं। इनके और केमिकल रिएक्शन के बीच के रिलेशन, रिएक्शन को हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कभी नोट कर लीजिए, अटेंडेंस शीट दे दो, ये सबके अटेंडेंस बना। नोट कर लिए, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिलेबस को हम लोग देखें तो यहां पर ये वाला पार्ट एक है, ये सेकेंड पार्ट है इसका, और ये थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में दिए हैं यहां पर। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। फर्स्ट वाले पार्ट में जो कुछ पढ़ेंगे, सेकंड वाले पार्ट में उसका कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ कुछ अलग टर्म आएगा। थर्ड वाला पार्ट का फर्स्ट और सेकंड से कोई लेना देना नहीं, यानी कुछ अलग ही है। कई चैप्टर्स में तो ऐसा होता है कि जो आप 11th वगैरह में पढ़ें उसके कंसेप्ट का भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है कि अपने चैप्टर के ही अंदर में तीन अलग अलग पार्ट हैं और तीनों का अलग अलग कंसेप्ट है, यानी कि एक दूसरे के साथ में रिलेटेड नहीं। अभी हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। सुन लो पहले, उसके बाद में लिखवा देते हैं। सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में डिफरेंस है। सेल वैसे डिवाइस को कहा जाता है जो इलेक्ट्रिकल इनर्जी को केमिकल रिएक्शन में और केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल इनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि दोनों काम करता है। तो सेल का दो टाइप हो गया, एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यानी अगर केमिकल रिएक्शन हुआ और वहां से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, आइए हम लोग बात कर रहे थे सेल के बारे में,
सेल विच कन्वर्ट द केमिकल रिएक्शन इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, अभी लाइट कटा हुआ है मान लिया, तो हमारे घर में जो इन्वर्टर में लगा हुआ होता है बैटरी, वो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उस वक्त में वो काम करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप। लेकिन जैसे ही लाइट आया, अब वो चार्ज होने लगता है, तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उनके अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तब वो उस वक्त में किस रूप में काम करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के रूप। इलेक्ट्रोलिटिक सेल विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप देते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जैसे एक और एग्जांपल, आपके पॉकेट में मोबाइल है, उसमें भी सेल है, उसमें भी बैटरी है, आप बता सकते हो उसका वो बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में काम कर रहा है या इलेक्ट्रोलिटिक के रूप में काम कर रहा है? आपके मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या वो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है? बैटरी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, यानी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में काम कर रहा है। और जैसे ही उसे आप प्लग करते हैं, चार्ज करने के लिए लगाते हैं, तब वहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के रूप में काम कर रहा होता है। जब चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जब आप यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो लिखने के लिए टाइम देंगे आप, यहाँ देखें। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड यानी करंट कैरिंग कंडक्टर मटेरियल को कहा गया है, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड है एक एनोड और दूसरा कैथोड। एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड कहेंगे। गैल्वेनिक सेल में एनोड के फॉर्म में जिंक का यूज किया गया और कैथोड के फॉर्म में कॉपर का इस्तेमाल किया गया। ये दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है, यानी एनोड को अलग और कैथोड को अलग। जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं आप इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, उसी के एक्वस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म। यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट है और यहां भी इलेक्ट्रोलाइट है। यहां यूज किया गया है जिंक, तो यहां इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज किया जाएगा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। जरा गेस करो, यहां कैथोड के फॉर्म में है कॉपर, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। एनोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट को कलेक्टिवली एनोड हाफ सेल कहा जाता है, एनोड हाफ सेल। कैथोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट को कलेक्टिवली कैथोड हाफ सेल कहते हैं। आप मेरे साथ बनाओगे नहीं क्योंकि समझाते वक्त में बहुत सारे डायग्राम में चेंजेज आएगा। अब ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग कंटेनर में है। अब इन्हें कनेक्ट करने के लिए इंटरनली इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया जाता है और इसमें पोटासियम क्लोराइड और पोटासियम नाइट्रेट लाइक साल्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ कॉटन से प्लग होता है और इसके अंदर में वो केमिकल सब्सटेंस। तो चूंकि ये साल्ट है इसके अंदर में और ये दो हाफ सेल को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये साल्ट ब्रिज हो गया। इनका फंक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तब आएगा आगे। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब जब इसे आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं वायर से, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर डाल दिए। ये रीडिंग देगा, बताएगा कि कितना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। जैसे ही आप इसे एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, अब यहाँ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा।
एनोड पर होने वाले रिएक्शन को हम लोग एनोड हाफ रिएक्शन करते हैं। आगे लिख भी देंगे इसका मतलब क्या होता है। जिंक रॉड किया गया यूज जो सॉलिड फॉर्म में है वो सॉल्यूशन में जाएगा एज जेड एन टू प्लस इन एक्वस फॉर्म, और साथ में लिबरेट क्या करेगा, टू इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ये जिंक रॉड था, अब यहाँ से ये सॉल्यूशन में जा रहा है और किस फॉर्म में जा रहा है, जिंक आयन के फॉर्म में जा रहा है। तो डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेज करना पड़ेगा। चेंजेज क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे की तरफ में प्रोसीड करेगा, इसमें अब यहाँ से चेंजेज आना शुरू, यहाँ से ये धीरे धीरे कोरोड करेगा, और कोरोड करने के बाद में यहाँ का जिंक सॉल्यूशन में जाएगा और किस फॉर्म में जाएगा, Zn2+ के फॉर्म। यानी इनका थिकनेस धीरे धीरे कम होने लगा। यहाँ जिंक तो जिंक आयन में चला गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस एनोड के थ्रू यहाँ ये बाहर निकलना शुरू, बाहर से निकल करके फिर ये कैथोड के पास में आ, यहाँ पर जैसे ही ये सॉल्यूशन में पहुँचता है, देखो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, आप अगर इसे आयनाइज करोगे तो ये CU2+ प्लस SO4 टू माइनस के फॉर्म में होगा। यानी कि इस जगह पर इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयन है और ये कॉपर आयन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, जैसे ही रॉड के पास में पहुँचा, वो कॉपर आयन कैथोड पर, जिसे हम लोग कह सकते हैं कैथोड हाफ रिएक्शन, ये CO2 प्लस जो कि सॉल्यूशन में था, ये टू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा किस में, Cu इन सॉलिड स्टेट। फिर यहाँ देखो, यानी कि इस जगह से कॉपर आयन इसके ऊपर में डिपॉजिट हुआ इनके सरफेस पर, और अब डिपॉजिट होने की वजह से इनका थिकनेस जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये थिकनेस यहाँ बढ़ रहा है, तो दो चेंजेस देख रहे हो, एनोड हाफ सेल के एनोड का थिकनेस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये रॉड सॉल्यूशन में जा रहा है जिंक आयन के फॉर्म में। कैथोड हाफ सेल के रॉड का थिकनेस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन का कॉपर आयन इसके ऊपर में डिपॉजिट हो रहा है कॉपर के फॉर्म। अब साइड ब्रिज का अभी तक काम नहीं हुआ, एक तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इधर से मूव हुआ तो यहाँ यूज कर लिया गया। फिजिक्स में आपको बताए होंगे आपके सर या मैम जो पढ़ाते हो, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का ठीक अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। अभी देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहा है, एनोड से मूव करके पहुँच रहा है कहाँ, कैथोड की तरफ। तो एज ए कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम कैथोड टू। तो क्वेश्चन एक ये भी बना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज जस्ट इनवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किया जाएगा कैथोड टू एनोड। अब साल्ट ब्रिज का फंक्शन देखो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ भी जिंक सल्फेट लिया गया है, यहाँ भी Zn2+ प्लस SO4 टू माइनस है, यानी कि जितना जिंक आयन है उतना ही सल्फेट आयन है, यहाँ पर जितना कॉपर आयन था उतना ही सल्फेट आयन था। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अब जिंक रॉड भी सॉल्यूशन में जा रहा है किस फॉर्म में, जिंक आयन के फॉर्म में, यानी कि यहाँ कटायन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और कैथोड हाफ सेल में जो कॉपर आयन पहले बराबर था अब ये इसके सरफेस पर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। यानी कि एनोड में कटायन का अमाउंट बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और कैथोड हाफ सेल में कटायन का कंसंट्रेशन घट रहा है। अब उसे मेंटेन करने का काम ये साल्ट ब्रिज करता है। साल्ट ब्रिज काम क्या करता है, जैसे आप इमेजिन करो कि यहाँ पोटासियम क्लोराइड है, तो एनोड हाफ सेल में जहाँ कटायन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, इसे न्यूट्रल बनाने के लिए ये Cl- प्रोवाइड कर रहा है, और वहीं जहाँ कटायन का कंसंट्रेशन घट रहा है उस जगह पर ये K+ प्रोवाइड किया। तो देखो तो दो काम हो गया इसका, एक तो पहले जहाँ अलग अलग था इन दोनों को जोड़ने का काम किया, यानी कि ये सेल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, और दूसरा जिस जगह पर आयन डिस्टर्ब हो रहा था उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कैथोड हाफ सेल में कटायन प्रोवाइड कर दिया और एनोड हाफ सेल में अनायन प्रोवाइड किया। तो ये फंक्शन था साल्ट ब्रिज का। अब यहाँ पर आ जाओ सेल रिएक्शन में, एनोड हाफ रिएक्शन और कैथोड हाफ रिएक्शन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया,
और ऐड करने के बाद में जो आएगा उसे हम लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ क्या बचा रह गया, जिंक किस स्टेट में था, सॉलिड में, और यहाँ पर Cu2+ ये किस फॉर्म में था, एक्वस। ये कन्वर्ट कर गया किस में, Zn2+ इन एक्वस फॉर्म और Cu इन सॉलिड स्टेट। अब थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, क्लास 11th में था रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर ये जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी इनके सरफेस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर ये कॉपर आयन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। रिएक्शन में भी देखोगे तो उसी अनुसार से पता चलेगा, जिंक कन्वर्ट किया जिंक आयन में, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि एनोड हाफ रिएक्शन पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। कैथोड पर चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसलिए कैथोड हाफ रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। ये एब्रिविएशन यूज किए हैं। मे भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन हो कि सर ये क्या लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं है, हम यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं AHR। आप बताओ अगर सुने होगे तो, इन्हें कहा जाता है एनोड हाफ रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन। उसी तरह से बताओ तो OHR को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। CHR को बताओ क्या कहा जाएगा, कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन। RHR को बताओ क्या कहा जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और OCR को क्या कहा गया यहाँ पे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो अब जब यहाँ लिख दिए तो अब तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एनोड हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन, और ये ऐड करने के बाद में आ गया ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये सारा ऐड वगैरह करने का प्रोसेस भी हम लोग सीखेंगे, हम लोग इसके ऊपर में प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि पेशेंस रख। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये कंस्ट्रक्शन हो गया कि क्या क्या मिल करके ये बना हुआ है और ये किस तरीके से वर्क करता है, साल्ट ब्रिज का क्या काम है ये भी आपको पता। अब कुछ पार्ट आपको नोट में लिखवा देंगे लेकिन पहले ये ड्रॉ कर लीजिए। ए यानी कि सबसे पहले हम लोग एनोड लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि वो किस में कन्वर्ट करता है। मान लिए An+, कंसंट्रेशन पता है 0.1 0.2 तो ये लिखेंगे, नहीं तो एक्वस लिखा जाता है। टू वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। कैथोड हाफ सेल में जिनका कंसंट्रेशन चेंज करता है तो Cn+, और ये फाइनली कन्वर्ट करता है किस में, ये पूरा एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो सबसे पहला पार्ट आ गया वो यूज किया जाता है एनोड के लिए, और जो सबसे लास्ट में यूज होता है वो हो गया कैथोड के लिए। यहाँ ये जो टू वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है किसको, साल्ट ब्रिज को, और बीच में जो आयन जो चेंज कर रहे हैं इनका कंसंट्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोलाइट को। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, एनोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग एनोड हाफ सेल भी करते हैं, एनोड हाफ सेल। उसी तरह से इन्हें और इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ, ये पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाते हैं अभी जो हम लोग बनाए थे डायग्राम उसका, वहाँ एनोड के फॉर्म में किसका यूज किया गया था, जिंक का। तो जिंक का रॉड था यानी सॉलिड स्टेट में, तो ZnS लिख दिए। कंसंट्रेशन किन का चेंज कर रहा था, Zn2+ का, यानी एक्वस फॉर्म में चले गए, यहाँ ये साल्ट ब्रिज हो गया। कैथोड में, कैथोड हाफ सेल में कॉपर आयन जो सॉल्यूशन के फॉर्म में था अब वो कन्वर्ट कर रहा है किस में, कॉपर में, यानी सॉलिड स्टेट। तो जो डायग्राम बनाए हैं उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में हम यहाँ कन्वर्ट कर दिए, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को सेल रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा।
जहां देख करके ही आप बता सकते हो कि कौन एनोड है और कौन कैथोड। जैसे अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, यहां पर देखना, Fe in solid state, Fe2 plus in aqueous form, Ag plus in aqueous form and Ag in solid state। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताना, आप बता सकते हो यहां एनोड के फॉर्म में किसका यूज किया गया है? Fe आयरन का। आप बताओ कैथोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया है? किसका? Ag यानी सिल्वर का। ऑक्सीडेशन में किनका हो रहा है? Fe कन्वर्ट करा है किस में? Fe2+ में। और यहां Ag+ कन्वर्ट करा है किस में? Ag में, यानी कि इस जगह पर इनका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कई बार में भूलने लगता है स्टूडेंट्स कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। चार्ज भूलने लगता है कि एनोड पर पॉजिटिव है या निगेटिव है, कैथोड पर पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो उसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है कि आप इसको दो पार्ट में बांट दो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते जाओ, आप सब कुछ जो है वो आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे अल्फाबेटिकल का मतलब क्या, जैसे एक एनोड हो गया और दूसरा कैथोड हो गया, आप बताओ तो एनोड और कैथोड का यहाँ फर्स्ट लेटर कौन सा है? ए, और यहाँ फर्स्ट लेटर सी। बताओ अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, ए आएगा या सी आएगा? ए। तो जो पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे, तो यहाँ लिख दिए एनोड और यहाँ क्या लिख दिए? कैथोड। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड किधर है, अगर मान लीजिए भूल गए, इधर वाले को एनोड कहते हैं या इधर वाले को, वो भी आपको हेल्प करेगा। लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। देखो इसका फर्स्ट लेटर एल है और इसका फर्स्ट लेटर आर है। बताओ अल्फाबेट में ए बी सी डी में कौन पहले आएगा? एल, आता है ना ए बी सी डी पढ़ने, एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी पहले एल उसके बाद में फिर क्या आता है? आर। इसलिए पहले एल को लिखेंगे, यानी यहाँ हो गया लेफ्ट और इस जगह पर क्या हो गया? राइट। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन और इस जगह पर रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन किससे शुरू हो रहा है? ओ से, और रिडक्शन आर से। तो बताओ अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? तो यहाँ लिख देंगे ओ यानी ऑक्सीडेशन, और इस जगह पर क्या आ जाएगा? रिडक्शन। चार्ज, सर चार्ज नहीं बताए, चार्ज ही बता रहे हैं, पॉजिटिव और क्या हो सकता है? नेगेटिव। देखो पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से, अल्फाबेट में कौन पहले आता है? एन ओ पी यानी एन। तो जो पहले आएगा उसको लिखेंगे, यानी यहाँ नेगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए। एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज रिटेन इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन। इन सेल रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन इट एंड इट इज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, इस पर रिडक्शन होता है और ये खुद पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ अगर भूल रहे हैं तो सीधा सीधा ए बी सी डी करके आप उसके अनुसार से बता सकते हो कि कौन सा पार्ट होगा। इसके बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप इसको नोट कर लो, उसको देखेंगे फिर। क्या इसको लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।